Thank you. Sit down, please. Thank you, sir. हम लोग ने नंबर्स में यूनिट, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड पढ़ा था, ठीक है? यूनिट, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, ठीक है? यूनिट इकाई, दहाई, सैकड़ा, दस हजार, लाख, दस लाख, करोड़, दस करोड़, ठीक है? पर आजकल देखा है बाटा के जैसे चप्पल होते हैं या कुछ होता है, उसमें हमेशा 99 पैसे का फेर, ठीक है? क्या 40 रुपए 99 पैसे? जूता कितने का? 40 रुपए चप्पल, ठीक है? जूता कितने का? 180 रुपए 95 पैसे। ऐसे ही कोई जूता 200 रुपए 99 पैसे, किसी ना किसी में ये पैसे लगा रहता है, ठीक है? तो अब क्या करें? पूरा पूरा पैसा तो हम लोग दे सकते हैं, यूनिट मतलब 1 रुपया दे सकते हैं, टेंस मतलब 10 रुपया दे सकते हैं, 100 मतलब 100 रुपए दे सकते हैं, पर ये पैसे का क्या करें, ठीक है? पैसे का क्या करें? तो हम लोगों ने क्या किया था, 1 रुपए को 100 छोटे छोटे टुकड़े में बांट दिया था, ठीक है? 1 रुपए को कितने में भागा? 100 छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा। एक टुकड़ा कितने, ठीक है? ये रहा एक टुकड़ा, 100 में से 1 टुकड़ा क्या हुआ? 1 पैसा। 2 पैसा। 3 पैसा। 4 पैसे नहीं मिले। 5 पैसे। अब 4 पैसे कैसे करेंगे? 2 पैसे 2 पैसे के 2 ले लेंगे, ठीक है? 2 पैसे 2 पैसे के 2 ले लेंगे तो 4 पैसे, फिर 5 पैसा, 6 पैसा लेना हो तो 5 और 1, 7 पैसा लेना हो तो 5 और 2, 8 लेना हो 5 और 3, ठीक है? 9 लेना हो तो 5 3 1 या 5 2 2, ठीक है? 10 पैसे लेना हो तो ऐसे। तो अब ये क्या हुआ? पैसे चलने लगे, क्योंकि हर चीज रुपए में नहीं दी जा रही थी तो कुछ चीजें पैसे में। अब पैसे के लिए हम लोगों ने क्या किया? 1 पैसा क्या हुआ? 1 पैसा यानी कि 100 पैसे में 1 भाग, ठीक है? इसी तरीके से 2 पैसा 2 भाग कितने में से? 100 भाग में से। 10 पैसे की बात करें तो 100 में से कितना भाग? 10 भाग, ठीक है? तो फ्रैक्शन में हम लोग ने ऐसा पढ़ा हुआ था, ठीक है? 1/100, 2/100, 10/100। तो कभी भी अगर हम लोग के नीचे डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे करके आए तो उसको हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहेंगे? डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है? और डेसिमल फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करेंगे? अब ये देखो, 10 में से 100 यानी कि 1 10 रुपए में से, ठीक है? इसको हम लोग क्या कहेंगे? 1.1, ठीक है? कैसे लेंगे? 0.1, 1 0 हो तो पॉइंट के बाद 1, 2 हो तो 0.01, जितने 0 यहां पे होते हैं डेसिमल के बाद हम उतनी जगह बनाते हैं, ठीक है? और अब हम इनको लिखेंगे कैसे? एक डेसिमल लगाएंगे और यहां पे हम लिखेंगे टेंथ, ठीक है? टेंथ, फिर हंड्रेड, ठीक है? जैसे कि अगर एक कोई सामान ले लिया 16 रुपए 75 पैसे, तो 6 क्या है? यूनिट है। 1 क्या है? टेंथ है। 7 क्या है? टेंथ है। 7 क्या है? टेंथ। और 5 क्या है? 100, ठीक है? यानी कि 7 क्या है? अगर 7 को देखा जाए तो 10 भाग अगर हो तो उनमें से 7 भाग ये हो गए, ठीक है? और अगर 100 भाग हो तो उनमें से 5 भाग ये हो गए, ठीक है? यानी कि जैसे अगर हम 20 पैसा लें तो 20 पैसा क्या है? 20 आउट ऑफ 100
यानी कि 2 out of 10, तो हम हमेशा क्या लिखेंगे 0.2, ठीक है। और अगर ऐसे हुआ 5 out of 100, 5 पैसा, क्या लिखे 0.05। तो ये जितने भी ये वाले हैं देखो, ये 10th वाले हैं, ठीक है, और ये क्या है 100th प्लेस में है। 100 से डिवाइड करो तो ये आ रहे हैं, 10 से डिवाइड करो तो ये आ रहे हैं। तो ये जो भी पहले वाले प्लेस हैं ये सब 10 भाग से आए हैं, और जो दूसरे वाले प्लेस हैं ये सब 100 भाग से आए हैं, ठीक है। तो 16 रुपए 75 पैसे में ये क्या है, डेसिमल पॉइंट है। इससे पहले हमारा यूनिट टेंथ हंड्रेड जैसे चलता था, और इसके बाद क्या चलेगा, टेंथ हंड्रेड, अगर ऐसे ही आगे ले जाए तो थाउजेंड एंड सो ऑन, ठीक है। मान लो 163 रुपीज 78 पैसे, ठीक है, ऐसे हम लोग लिखते थे 163 रुपीज 78 पैसे, ठीक है। रुपीज इसमें कितना हुआ 163, पैसे कितने हुए 78 पैसे, ठीक है। इन सबको एक साथ हमने डेसिमल में लिख दिया, पर जब डेसिमल बोला जाता है, ठीक है, जब डेसिमल बोला जाता है तो दूसरे प्लेस की वैल्यू और इस प्लेस की वैल्यू जैसे 8-7 से बड़ा है, ठीक है, तो हम इससे ऐसे नहीं बोलते 78, क्या बोलेंगे 7-8, ठीक है। जैसे 163 रुपीज 78 पैसे ऐसे होता, और 163 रुपीज 081 होता। अब अगर गौर से देखो 163 163 तो सेम हो गया, आपको ऐसा लगेगा कि 78 तो छोटा और 81 बड़ा, पर अगर गौर से देखिए इस प्लेस में कौन बड़ा है, 7 बड़ा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्लेस में 8-8 तो क्या है, बराबर है। तो डेसिमल के बाद हम लोग हर एक एक संख्या को उससे इंडिविजुअली अलग अलग करके लिखेंगे, ठीक है। 78 के बगल में नीचे पैसा, ठीक है, टी पैसा। तो ये 7 और 8, यानी कि हम 78 नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर इसे 78 बोलेंगे तो यहाँ पे 81 हो जाएगा, यानी कि ये बड़ा हो जाएगा। तो हम ऐसे बोलेंगे नहीं, कैसे बोलेंगे 163.78, 78 नहीं 78, 163.081, ठीक है, 0.081। डेसिमल के बाद जो जो चीजें होंगी उनको एक एक करके देखेंगे तो मालूम पड़ जाएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। एक साथ लिखेंगे तो ये देखिए ये छोटा लगेगा ये बड़ा लगेगा, बल्कि ये छोटा है, क्यों, क्योंकि 7 पहले बड़ा है, पहले 7 बड़ा है, फिर 8 आ रहा है, यहाँ तो पहले 0 है फिर उसके बाद 8 आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हमेशा डेसिमल से पहले जैसे बोलते हैं वैसे बोलेंगे, पर डेसिमल के बाद एक एक करके, ठीक है। तो अगर जैसे कोई भी चीज लिखी हुई है 80 point, क्या लिखेंगे 80.72 नहीं बोलेंगे 80.72, ठीक है। अब इनमें से अगर बड़ा और छोटा देखना होता तो हम लोग कैसे देखते, 163.78 163.081, ठीक है। अब अगर देखना होता तो पहले इधर देख लेते हैं इनमें से कौन बड़ा है, जब ये दोनों बराबर हो तो डेसिमल पे जाते हैं, पहले वाला देखेंगे इनमें से कौन बड़ा, 7 बड़ा, तो यानी कि ये नंबर बड़ा, ठीक है। अब अगर मान लो दोनों में 7 हो जाता तो फिर 7-7 तो बराबर हो जाते, फिर नेक्स्ट पे जाते ये भी बराबर होते तो नेक्स्ट में जाते, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 0 है, तो ये क्या है 1 है, तो कौन बड़ा, नीचे वाला बड़ा। तो एक एक नंबर को एक एक करके देखो तो मालूम पड़ेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। कोई दो बच्चे आ जाओ, ठीक है, तो करके आओ, खड़े हो, कितना है 25 point, ठीक है, इसका वेट आया 25.5,
इसको यहाँ पे रखे खड़े, इधर को इसे सब देखिए। अभी आ रहा है 36.7 आ रहा है, 36.7। इनमें से किसका वेट ज्यादा होगा? पहले तो 36 ही ज्यादा है 25 से, तो हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। पर अगर मान लो दोनों का वेट ऐसे होता तो किसका ज्यादा होता? नीचे वाले का ज्यादा, क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ पे 7 है और वहां पे 5 है। तो इस तरीके से आप लोग अपना सब लोग वेट निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा आप सब आ जाओ एक एक करके जल्दी जल्दी एक एक करके, एक टेबल एक टेबल, और जल्दी जल्दी वेट कौन हेल्प करेगा मेरी? सबके वेट देख देख के बताना, ठीक है। नंबर वन, डेसिमल तक बताना। थर्टी पॉइंट्स में कुछ आया? 30.7। फिर 35.7। चलो नेक्स्ट, जल्दी 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 जल्दी, टाइम नहीं। तुम बेटा सीधे खड़े रहो वरना वेट गड़बड़ हो जाएगा। 25.7। नेक्स्ट, पांच लोग जल्दी जल्दी कर लो। 25.2। यानी 0.0 बस। अब एक एक करके बाद में लेंगे, ठीक है। अब देखो ये पांच लोगों का वेट हुआ 35.7, 25.7, 25.3, 35.2 एंड 25। अब हम लोग को इसे जो है असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी कम से ज्यादा की ओर। तो सबसे कम वेट पहले 25 वाले देखेंगे, 25, 25.7, 25.3 एंड दिस इज 25.0। तो कम कौन है? 25.0, ठीक है। इससे बड़ा कौन होगा? 25.3। फिर इससे बड़ा कौन होगा? 25.7। उससे बड़ा कौन होगा? देखो एक 35.7 है, एक 35.2 है, 35.2। इससे बड़ा कौन है? 35.7। यानी कि सबसे ज्यादा वेट किसका है? 35.7 का, और सबसे कम वेट किसका? 25.0, ठीक है, यानी 25।